السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين। तमाम तर तारीफ हम्द सना किब्रियाई बड़ाई बुजुर्गी और मस्त उस खालिक के कायनात के लिए लायक और जेबा है जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतजिम है। दरूद सलाम हो अंबिया इकराम पर खुशूसन नबी मुकर्रम रहमतुल्लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर, आपके असहाब पर। मौजूद सामीन इकराम, जैसा कि हम जानते हैं कि सूरह हूद हमारी क्लास कि आज सूरह हूद की आज आखिरी क्लास रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सूरह हूद मक्का के अंदर नाजिल हुई और इसमें जो अंबिया के वाकयात बताए गए ये हमारे लिए इबरत और नसीहत से भरे हुए थे कि हम किस तरीके से अहले वतन को अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचाएंगे, क्या उसके उसूल होंगे, वो क्या जवाब देंगे और हमें फिर उसका क्या जवाब देना है, वो हमारी दावत का क्या जवाब देंगे और हमें उनका क्या जवाब देना है, उसकी ये आज आखिरी कड़ी और इसमें फैसला कुन बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल हो रही हैं। आयत नंबर 110, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलकद आतैना मूसल किताबा फख्तलिफा फीही, और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तलाफ किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई और उसमें इख्तलाफ किया गया। किसने इख्तलाफ किया? बनी इसराइल ने। बनी इसराइल जो मुस्लिम लोग थे, जिनके ऊपर फिरौन जुल्म कर रहा था और उनको फिरौन के जुल्म से उन मुसलमानों को, बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने लेकर के आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जुल्म से आजाद किया इनको। और दूसरा एहसान ये किया, पहला एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनमें मबूस किया, दूसरा एहसान ये कि फिरौन के जुल्म सितम से उनको आजाद किया, और तीसरा एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी वही नाजिल किया उनके ऊपर, अपना कलाम नाजिल किया, तौरात नाजिल किया। लेकिन इन लोगों ने उसमें इख्तलाफ किया, यानी कुछ लोगों ने उस पर ईमान लाया, कुछ ने उसका इनकार किया। और जहां कहीं भी बनी इसराइल का जिक्र आए तो हमें फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए कि इसमें हमारे लिए ही वसीयत और नसीहत है। पहले हम सूरह बकरा के अंदर इसको 12 पढ़ के आ चुके हैं कि बनी इसराइल ने जो जो अमल किया है ये उम्मत भी वही वही अमल करेगी, सिवाय एक ग्रुप के, सिवाय कुछ लोगों के जो अल्लाह के कलाम और नबी के फरमान पर जमे हुए होंगे। तो इन लोगों ने जो किया कि इनको नबी दिए गए, जुल्म से निकाला गया और किताब दी गई, लेकिन उसके बाद भी इख्तलाफ किया, यानी कुछ लोगों ने ईमान लाया, कुछ ने इनकार किया। यही काम उम्मत मोहम्मदिया ने किया कि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एहसान किया कि अल्लाह ने अपने कलाम से नवाजा और उस कलाम को समझाने के लिए, उस कलाम को सिखाने के लिए, उस कलाम पर अमल करके दिखाने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन और इमामुल अंबिया को मुंतखब किया, इमामुल अंबिया को मुंतखब किया। लेकिन उसके बाद भी इख्तलाफ किया गया, कुछ लोगों ने इस पर ईमान लाया, कुछ लोगों ने इसको सीखा, इसको समझा, इस पर ईमान लाया और अमल किया, और कुछ लोगों ने इसको सीखने से इनकार किया, इसको जानने से इनकार किया और फिर इसके अमल से इनकार किया और इससे दूर रहे। तो अंजाम क्या हुआ, बनी इसराइल का क्या अंजाम हुआ जिन लोगों ने इनकार किया, इख्तलाफ किया, और उम्मत मोहम्मदिया का क्या होने वाला है, वो दोनों हमारे सामने हैं। आयत में आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाता है, और जब भी हम आयत पढ़ें तो
تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے اور اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. جو اس نے اصول نازل کر دیا اس اصول کے سامنے جو آئے گا وہ اس کی زد میں آ جائے گا. یہاں پر بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا, یہاں یہ قانون دیکھا جاتا ہے کہ اس قانون کی مخالفت جو کرے گا اسے پکڑا جائے گا. ویسے بھی اللہ رب العزت بہت غفور و رحیم ہے, اس کے رحمت کا آج ہم انشاءاللہ تعالی کچھ حدیثیں ایسی آ رہی ہے کہ اس کی رحمت کا ہمیں پتہ چلے گا. لیکن جو قانون اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس قانون کے اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے اختلاف کیا, انکار کیا اللہ کے کلام کو سیکھنے سے عمل کرنے سے, بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا. کبھی احکامات کو بدل دیا کرتے تھے, کبھی لینے سے انکار کرتے تھے, کبھی اس کے اندر ہلا سازی کیا کرتے تھے. تو اللہ آگے فرماتا ہے, اور اگر نہ ہوتا ایک بات جو آپ کے رب کے طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. ایک بات جو پہلے سے طے ہے, اگر وہ پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا, یعنی عذاب پہنچا دیا جاتا. یہ کون سی بات ہے کہ جس کے وجہ سے یہ موخر کیا گیا اللہ کا عذاب؟ اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں, تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب کو ایک مدت مقرر تک کے لیے موخر کر دیا جائے گا, مطلب عذاب کے آنے کا ایک فکس ٹائم ہے اور اس کو موخر کیا گیا ہے اس وقت تک کے لیے, تو یہ وقت اس وقت کو کیوں طے کیا گیا, اس وقت تک موخر یعنی روک کیوں دیا گیا عذاب کو؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے وہ موخر کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کا فیصلہ فرمائے گا. اور یہ بھی احتمال ہے, یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ حجت پوری ہونے اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد کسی عذاب سے انہیں دوچار کرتا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15, اور جب تک ہم پیغمبروں کو نہ بھیج لیں عذاب نازل نہیں کرتے, جب تک ہم پیغمبروں کو نہ بھیج لیں عذاب نازل نہ کرتے. تو تفسیر اور قرآن کی اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آیا, پتہ چلا کہ عذاب جو موخر کیا گیا ہے, روکا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم میں جب تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک انبیاء کو نہ بھیج دے. تو انبیاء کو بھیجا جاتا ہے, حجت پوری ہوتی ہے اور پھر وہ اجل المسمى جو وقت مقرر ہے وہ وقت آتا ہے اور پھر عذاب آتا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ کہ وہ کون سی بات پہلے سے ہو چکی ہے, مطلب کون سی بات پہلے سے طے ہو چکی ہے جس کی وجہ سے قوم پر ایک وقت تک عذاب نہیں آتا, ایک وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قوم پر اس وقت تک اللہ رب العزت عذاب نہیں دیتا ہے جب تک وہ مقرر ٹائم جو اللہ رب العزت کا طے شدہ ہے وہ ٹائم نہ آ جائے, اس وقت تک انہیں خوب عیش و آرام کرنے کی چھوٹ دی جاتی ہے. اور وہ مقررہ ٹائم کب آتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کسی نبی کو بھیج دیتے ہیں اور نبی حجت پوری کر دیتے ہیں, اور جب حجت پوری ہوتی ہے بس ان کو عذاب میں گھیر لیا جاتا ہے. پچھلی امتوں کو ہم دیکھ کر کے پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ ہود کے اندر کہ انبیاء آئے اور انہوں نے اپنے دعوت کا کام کیا, اور جب کام کمپلیٹ ہو گیا, پورا ہو گیا, حجت پوری ہو گئی, ان کو دین سمجھ میں آ گیا, دین کی ان کو رسائی ہو گئی, تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمارے لیے نبی مکرم نہیں آ گئے اور آپ نے وہ دین چھوڑ کر کے ہمارے لیے گئے کہ جن کے تعلق سے نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں. جس دن ہم دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے, قرآن و حدیث کو کھولیں گے, سارے مسائل ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گے, سارے عقائد ہمارے سامنے صاف ہو جائیں گے. ایسا دین اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کیا. ہم میں سے کون نہیں جانتا, یا مسلمانوں میں سے کون نہیں جانتا
कि अल्लाह के नबी की बात को मानना है, अल्लाह के कलाम को मानना है। कौन ये नहीं जानता कि गुनाह के काम कौन कौन से हैं और नेकी के काम कौन कौन से हैं, लेकिन उसके बाद भी हठधर्मी करें, उसके बाद भी इनकार करें, तो ये इसको कहते हैं हुज्जत का पूरा हो जाना। और जब हुज्जत पूरी हो जाती है तो कौम को इंतजार करना चाहिए अजाब का। उम्मत मोहम्मदिया तो इस वजह से बची हुई है क्योंकि नबी मुकर्रम की दुआ है इनके साथ। नबी करीम ने दुआ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐ अल्लाह मेरी कौम पर एक साथ अजाब ना आए कि पूरी की पूरी कौम खत्म हो जाए, पूरी की पूरी उम्मत खत्म हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को कबूल किया है। तो छोटे छोटे अजाब इधर उधर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से हम अजाब में मुलविस हैं। वजह क्या है, फिर से इस आयत को देखते हैं। और अलबत्ता तहकीक, हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तलाफ किया गया। तो सबसे पहले किताब में इख्तलाफ कि कुछ लोगों ने माना कुछ ने नहीं माना। और अगर ना होता एक बात जो आपके रब की तरफ से पहले से तय हो चुकी है तो उनके दरमियान जरूर फैसला कर दिया जाता, यानी वो वक्त मुकर्रर जो है वो वक्त मुकर्रर आएगा। हुज्जत तो पूरी हो चुकी है, नबी भी आ चुके हैं, बस वो वक्त मुकर्रर आएगा और अजाब में समेट लिए जाएंगे, या हो सकता है कि हम अजाब में। और वैसे भी अगर हम गौर करें किताब सुन्नत का तो कई किस्म के अजाब में आज उम्मत मोहम्मदिया मुलविस है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे और कुरान में किताब के इख्तलाफ से हमें बचाए, यानी किताब के को समझने वाला, उस पर गौर फिक्र करने वाला, ईमान लाने वाला और अमल करने वाला हम सबको बना दे। यही एक निजात का वाहिद रास्ता है। अल्लाह आगे फरमाता है और बिना शुबा वो उसके मुतालिक अलबत्ता बेचैनी करने वाले शक में हैं। आयत नंबर 111, और बेशक आपका रब जरूर हर एक को उनके आमाल की पूरी पूरी जजा देगा। हर एक को मतलब एक एक शख्स से अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब लेने वाला है और उनके आमाल जो उसने किया है उसके आमाल की सजा उसको दी जाएगी। दूसरे के आमाल की ना नेकी दी जाने वाली है ना सजा दी जाने वाली है। और आगे अल्लाह फरमाता है बेशक वो जो अमल करते हैं, वो जो अमल करते हैं अल्लाह उनसे खूब बाखबर है। तो जिसका जो अमल होगा वो अपने अमल के साथ बारगाह खुदाबंदी में, बारगाह रब में हाजिर किया जाएगा। आयत नंबर 112, चुनांचे ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप साबित कदम रहिए जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है और वो लोग भी जिन्होंने आपके साथ तौबा की है, यानी ईमान लेकर के आए। यहां पे इस्तेकामत का हुक्म दिया जा रहा है कि आप डटे रहिए ईमान में और अमल में, वो लोग भी जो आपके साथ जिन्होंने ईमान लाए हैं। ईमान लाने के पहले क्या होता है, तौबा। तो यहां पर जिक्र किया गया कि जो लोगों ने तौबा किए हैं, तो जो लोगों ने ईमान लाए हैं वो भी डटे रहें, इस्तेकामत इख्तियार करें। जब कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है तो सब मस्तकाम, फिर इस्तेकामत कर लो, उसके अंदर ठहर जाओ। और इस्तेकामत के साथ ही कामयाबी है। हर फील्ड के अंदर आप देखिए, हर जिंदगी के हर शोबे के अंदर जब तक इस्तेकामत नहीं होगी, जब तक हम अपने काम में डटेंगे नहीं, उस वक्त तक कामयाबी और कामरानी हमारा साथ नहीं देती। तो साबित कदम होना होगा, इस्तेकामत बहुत जरूरी। अब देखिए, इल्म का हासिल करना बहुत कीमती है, लेकिन इल्म के हासिल करने से ज्यादा कीमती क्या चीज है, उस पर अमल करना। और अमल करने से ज्यादा कीमती, इल्म पे अमल करने से ज्यादा कीमती है उसके ऊपर इस्तेकामत, उसके अंदर जमाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ रमजान टू रमजान हमने कोई काम कर लिया और फिर छोड़ दिए। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेकामत का हुक्म दिया। और तुम सरकशी ना करो, अब दूसरे फरीक को खिताब किया जा रहा है, और तुम सरकशी ना करो, बेशक तुम जो अमल करते हो वो अल्लाह उन्हें देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई चीज छुपी नहीं। हम छुप करके, कोई भी शख्स अगर छुप करके कोई गुनाह कर रहा है वो सबसे छुप सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म से वो छुप नहीं सकता। और तुम उन लोगों के तरफ न झुको। आयत नंबर 113, और इसके अंदर बहुत अहम वसीयत और नसीहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई, और उस नसीहत पर अमल न करने का अंजाम भी इसी आयत में बता दिया। और तुम उन लोगों के तरफ न झुको जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी, अल्लाह के नबी की नाफरमानी। और जुल्म अजीम शिर्क कहा गया है। तो जुल्म कहते हैं किसी चीज का हक न देना, यानी जो चीज जहां की है
उसे उस जगह में ना रख करके कहीं और रखना, यह तारीफ है जुल्म की। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, उसका हुक्म अदा न करना, उसके जगह पे किसी और के हुक्म को अदा करना, अमल करना, ये जुल्म है। तो जिसने जुल्म किया उसके तरफ तुम मत झुको। क्या मतलब है इसके झुकने का, तो तफसीर में देखते हैं। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 328। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत बयान की है कि जालिमों के तरफ माइल ना हो, यानी जालिमों की तरफ माइल ना हो, उनसे दोस्ती करना, उनके अमलों के साथ अमल मिला करके करना, या उनके जो शिर्क और बिदात के जो रस्म रिवाज हैं उनके साथ मुलविस होना, या उनके साथ लेन देन करना, उनके साथ कारोबार करना। फिर से आप देखें, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह की यह रिवायत बयान की है कि जालिमों की तरफ माइल ना हो, ये एक अच्छा कौल है, यानी जालिमों से मदद न लेने की, क्योंकि मालूम हो, क्योंकि यूं ना मालूम हो कि तुम भी उनके आमाल से राजी हो। अगर हम उनके आमाल के साथ खलत मलत होंगे तो इससे यह साबित होगा कि हम उनके अमल से राजी हैं, हम उनके अमल से मुतमईन हैं, हम उनके अमल से खुश हैं, इसीलिए हम उनके अमल में शामिल हैं, उनकी बिदात में, उनके फजूल खर्ची में, और उनके हद से तजावुज करने में, उनकी नाफरमानियों में, अगर हम उनके साथ साथ हैं तो यह साबित होगा कि हम उनके अमल से मुतमईन हैं। यहां पे इस आयत का ये तफसीर की गई तफसीर में कसीर में। अब आयत को फिर से हम समझते हैं और कितनी जबरदस्त इसके अंदर नसीहत की गई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और तुम उन लोगों के तरफ न झुको जिन्होंने जुल्म किया, वरना तुम्हें आग छुएगी, वरना तुम जहन्नम में जाओगे, सीधा वादा। और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त ना होगा, फिर तुम्हारी मदद ना की जाएगी। असल में यह सब ताल्लुक जो है वो संगत का है, कि अगर हमने ऐसी संगत इख्तियार की जो अल्लाह के बागी की है, अल्लाह के दुश्मन की है, तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता उस जहन्नम में जाने से, क्योंकि दिल असर लेता है। और संगत का तो इतना बड़ा असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत में पैदा होता है, उसके मां बाप उसे यहूदी या नसरानी बनाते हैं, यानी उसकी संगत उसे बनाती और मिटाती है। इससे यह पता चला कि उनका दीन लकुम दीनों को वलिया दीन, उनका दीन उनके लिए, हमारा दीन हमारे लिए, उनका जिंदगी गुजारने का तरीका उनके लिए और हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका जो खालिक कायनात ने नाजिल किया है वो तरीका हमारा जिंदगी गुजारने का होगा। अगर ऐसा है तो ही हम बच सकते हैं। फिर से आए देखें, और तुम उन लोगों के तरफ न झुको जिन्होंने जुल्म किया, और वरना तुम्हें आग छुएगी, यानी तुम आग में जाओगे, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त ना होगा, फिर तुम्हारी मदद न की जाएगी, और फिर वहां पर तुम्हारी मदद भी न की जाएगी। आयत नंबर 114। और आप नमाज कायम करें दिन के दोनों तरफों पे, यानी सुबह और शाम, और रात के कुछ घड़ियों में। ये हम जानते हैं कि मक्की सूरत है, और मक्का में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पे जाने के पहले, यानी जब पांच वक्त की नमाज फर्ज हुई थी उसके पहले का ये हुक्म है। इससे ये भी पता चला कि नमाज भी तदरीजन फर्ज की गई है, एकदम से पांच वक्त की नमाज नहीं हुई, पहले ये तीन वक्त की नमाज थी। दूसरी बात ये पता चली कि तहज्जुद की कितनी अहमियत है, कि पहले जब तीन वक्त की नमाज थी तो उसमें भी तहज्जुद थी। इसका शान नुज़ूल ये है कि एक मुस्लिम आते हैं और वो अपने जुर्म को बताते हैं कि मेरे से आज अचानक ये गुनाह हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उनको बताया गया कि सुबह और शाम की और रात की नमाज का एहतमाम करें। और रात की नमाज हम खुद भी जानते हैं कि रात की नमाज दिल के ठहराव के लिए, अल्लाह के ध्यान के लिए कितनी कीमती नमाज है। सबसे ज्यादा ठहराव और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ध्यान और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ झुकाव तहज्जुद की नमाज में आता है। लेकिन फर्ज जो नमाज है वो फर्ज है, पांच टाइम की नमाज फर्ज है। और जिन्होंने गुनाह करके आए थे उनको यह बताया गया कि पांच ये जो नमाजें हैं तीन टाइम की, इसका एहतमाम करना है। और इसका यह मतलब नहीं कि एक तरफ वो गुनाह भी करते जाएं और नमाज का भी एहतमाम करते जाएं। ये नमाज जो है वो कफारा नहीं है गुनाहों का,
नमाज एक अपना फर्ज है, नमाज के फायदे ये हैं जो नबी मुकर्रम ने फरमाया, इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बगी, कि नमाज जो है वो मुनकरात से, फाहिश से और मुनकर चीजों से, अल्लाह की नाफरमानियों से रोकती है। तो जब बंदा खुलास इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करके नमाज पढ़ता है तो नमाज उसको बुराई और बेहयाई के काम से रोकती है। इस आयत की तफसीर में चंद हदीस आगे देखते हैं। आयत को फिर से देखिए, और आप नमाज कायम करें दिन के दोनों तरफों, यानी सुबह और शाम और रात के कुछ हिस्सों में। इससे दो बात यहां तक पता चली कि नमाज की को मतलब थोड़ा थोड़ा करके फर्ज किया गया, पहले तीन टाइम की, फिर उसके बाद पांच टाइम की, और तहज्जुद को नफिल कर दिया गया, सुन्नत कर दिया गया। दूसरी बात कि तहज्जुद की अहमियत का इससे पता चला कि तहज्जुद उस वक्त भी थी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, बेशक नेकी बुराइयों को ले जाती है, मतलब नमाज जो है वो एक नेकी है जो बुराइयों को लेकर के चले जाएगी। जैसे यहां पर हदीस बताया, इन सलाती तनहा अनिल फाशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो नमाज जो है नेकी, इसको नेकी कहा, और ये नेकी किस तरीके से बुराइयों को दूर करती है इसको हम देख सकते हैं सुनन अबू दाऊद में। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1521 और तिर्मिजी शरीफ हदीस नंबर 406। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मुसलमान कोई गुनाह कर बैठे और वुजू करके दो रकात पढ़ ले, फिर अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफी मांग ले तो वो उसके गुनाह को माफ कर देता है। सही है में, यानी सही बुखारी और मुस्लिम में, अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने लोगों को इस तरह वुजू करके दिखाया जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू किया करते थे। मतलब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों को इकट्ठा किया और उनको वजू करके दिखाया, वजू उस तरीके से करके दिखाया जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। फिर कहा कि मैंने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह वजू किया और फरमाया, देखिए हदीस बताने का अंदाज हजरत उस्मान का, कि जिस तरीके से नबी मुकर्रम ने मुझे बताया था ऐसे वजू किए थे और फिर मुझसे ये खिताब किए थे, जो मेरे इस वजू के तरह वजू करे, फिर दो रकाते इस तरह पढ़े कि उसमें अपने नफ्स से बात न किया हो, यानी बहुत खुशू और खुशू के साथ, कि उसका कहीं ध्यान नहीं भटका और उसने अपने आप से भी नमाज के अंदर बात नहीं किया। हम होते ना नमाज पढ़ रहे और इधर का ध्यान आ रहा, उधर का ध्यान आ रहा, इसको कहते हैं अपने आप से बात करना। तो ऐसी नमाज पढ़ा जिसमें उसने अपने आप से भी बात नहीं किया, यानी इसको पूरा की पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ उसका ध्यान था, जो गोया कि जैसे अल्लाह उसको देख रहा है या वो अल्लाह को देख रहा है, और जो कलमात उसके जबान से अदा हो रहे हैं वो कलमात पूरे के पूरे वो इस अंदाज में बयान कर रहा है कि मेरा रब मेरे सामने है और मैं उसको पढ़ रहा हूं। तो उसके साबका तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अल्लाहु अकबर, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर। तो हमें चाहिए कि हम नमाज की प्रैक्टिस करें, इस नमाज की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करके वो चीज आएगी कि हमारा ध्यान पूरा की पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ही रहेगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 159। फिर बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1934। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 226। सगीरा गुनाहों को मिटाने का बहुत बेहतरीन तरीका। सही हदीस में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को भी सुने, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, भला बताओ कि अगर तुम में से किसी का दरवाजे पर एक नहर जाती हो, यानी नदी हो घर के दरवाजे के सामने, और वो उसमें रोजाना पांच बार गुस्ल करे, नहाए, तो क्या उसकी कोई मेल कुचैल बाकी रहेगा, क्या उसके जिस्म में कोई गंदगी बाकी रहेगी, पांच टाइम जो नहाए, बताएं आप। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उसके अंदर मैल नहीं रहेगा। आपने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला पांच नमाजों से खताओं को माफ फरमा देता है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 528, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 667। अब इस हदीस में ये पूरी ऊपर की हदीस का खुलासा है। इमाम मुस्लिम ने
अपनी सही में हजरत अबू हुरैरा की रिवायत को, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत को बयान किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, पांच नमाजें एक जुमा दूसरे जुमा तक और एक रमजान दूसरे रमजान तक के लिए गुनाहों का कफारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, मतलब पांच नमाजों के बीच में जो गुनाह होंगे वो गुनाहों का कफारा बन जाएगी नमाज, और एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच में जो गुनाह होंगे और एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच में जो गुनाह होंगे वो उसकी कफारा बन जाएगी। लेकिन यह हदीस अभी आधी है, पूरी हदीस सुने। चुनांचे नमाज एक जुमा दूसरे पांच वक्त की नमाज और एक जुमा दूसरे जुमा तक और एक रमजान दूसरे रमजान तक के लिए गुनाहों का कफारा बन जाता है, बशर्ते कि, शर्त लगा दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बशर्ते कि इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करे, कबीरा गुनाहों से बचे। तो ये जितनी भी हदीसें थी नमाज के फजाइल के ताल्लुक से, उसमें यह पता चला कि सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह को याद करके तौबा करना होगा तब कबीरा गुनाह माफ होंगे। कबीरा गुनाह अपने आप माफ नहीं होते, उसकी बाकायदा तौबा करना होगा, यानी उस गुनाह में नादिम होना होगा, माफी मांगनी होगी और दोबारा न करने का इरादा करना होगा और नेक काम करना शुरू करना होगा, जब जाकर के कबीरा गुनाह माफ होते हैं। इससे सगीरा गुनाह माफ होते हैं, और सगीरा गुनाह भी हर किसी के माफ नहीं होंगे। यहां शर्त लगा दी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करे, बचे। तो हम अगर कबीरा गुनाहों से बच जाएंगे, कबीरा गुनाह बहुत ज्यादा नहीं है, गिनती के गुनाह है, तो कबीरा गुनाहों से अगर हम बच जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हम वजू बनाएंगे तो उस वजू के पानी के साथ साथ वो जो है गुनाह हमारे झड़ते चले जाएंगे, सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह अपने आप झड़ते चले जाएंगे। जब सदका खैरात करेंगे, नमाज के लिए खड़े होंगे, नमाज में ध्यान लगाएंगे, तो ये सगीरा गुनाह जो है वो माफ होते चले जाएंगे। वल्लाहु आलम। इससे हमें एक बहुत अहम नसीहत मिली कि हम कबीरा गुनाहों का ख्याल करें, कबीरा गुनाहों का पहले तो इल्म हासिल करें कि कौन कौन से गुनाह कबीरा है, उसकी एक लिस्ट बनाकर के घर के अंदर रखें ताकि याद में रहे कि हाँ ये गुनाह कबीरा है, इनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोका है, इनके लिए वईद आई है, इनके लिए गुनाह की वईद आई है कि ये गुनाह करोगे तो ऐसा होगा। तो ऐसे गुनाह को हम याद रखें और उन गुनाहों से हम बच जाएं। उन गुनाहों से बच जाएंगे तो जो छोटे मोटे गुनाह है वो नमाज के जरिए से, वजू के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको धो देगा। आगे देखें आयत में, फिर वापस आए आयत नंबर 115। बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती है, ये अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए नसीहत है। वाकई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ध्यान करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह के हुक्मों का पूरा करना, ये अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का जिक्र है, नमाज अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का ध्यान अल्लाह का जिक्र है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों को जब तक हम अदा कर रहे हैं गोया कि हम अल्लाह के जिक्र में रह रहे हैं, अल्लाह के हुक्म में रह रहे हैं ना, अल्लाह के जिक्र में रह रहे हैं। तो अल्लाह के जिक्र को जो पावर, जो जाकिर है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू होने वाला है, उसके लिए इसमें बहुत बड़ी नसीहत है कि हम कबीरा गुनाहों को ख्याल में रखें, उससे हर हाल में बचें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सगीरा गुनाहों से माफ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 114 फिर से तिलावत देखें, फिर से इसका तर्जुमा देखें, और आप नमाज कायम करें दिन के दोनों तरफ यानी सुबह और शाम और रात के कुछ घड़ियों में। तो उस टाइम में जब पांच टाइम की नमाज फर्ज नहीं हुई थी तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो टाइम की नमाज वो और रात की नमाज का बहुत ज्यादा सहाबा एहतमाम करते थे। बाद में जब पांच टाइम की नमाज फर्ज हुई तो ये सबके लिए एक साथ फर्ज थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए भी। लेकिन तहज्जुद की जो नमाज है, रात की जो नमाज है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज बाकी रही और सहाबा इकराम पर वो नफिल कर सुन्नत कर दी गई कि अगर वो चाहें पढ़ें तो उसका सवाब मिलेगा और बहुत कीमती नमाज है, और अगर वो चाहें ना पढ़ें तो उसका गुनाह भी उनको नहीं होगा। लेकिन ये नमाज बहुत कीमती नमाज है और खासकर जो दाई हजरात हैं, जो दावत का काम कर रहे हैं, तो वो तो दावत का काम करना ही उनको नहीं चाहिए अगर वो इसका एहतमाम नहीं कर रहे हैं। रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगे, और जिसको दावत देने के लिए जाना है उसके लिए खास तौर पर दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और हम सबको तौफीक और अफीकता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 115,
और आप सब्र करें, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के अज्र जाया नहीं करता। सब्र क्या चीज है और उसको नेकी कहा, और नेकी करने वालों के अज्र को अल्लाह जाया नहीं करता। सब्र एक तो गुनाहों से बचना, जबकि हमें वो काम पसंद है। दूसरा, जब हम नेकी कर रहे हैं और उस नेकी करने में जो तकलीफ आ रही है उसमें सब्र करना। तीसरा, जो नेकी करने में हमारा नफ्स हमारे रुकावट आ रहा है उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए सब्र करना। ये सारी चीजें मिलकर के सब्र बनती हैं। तो जो सब्र करेगा यानी अल्लाह की फरमाबरदारी करने में जिस जिस चीज की भी रुकावट आ रही है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है, अल्लाह की नाफरमानी से रुकने के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है, या नेकी का काम करने के लिए इस ठंड में फजर के वक्त उठ करके नमाज पढ़ने जाने के लिए ये जो सब्र कर रहा है, और गुनाह का काम करने का इरादा हो रहा है लेकिन रुक जा रहा है, ये जो सब्र कर रहा है, और नेकी का काम करने में कोई परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई नहीं करने दे रहा है, वहां सब्र कर रहा है, तो ये है सब्र जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, में सब्र करने वालों के साथ हूं। तो अल्लाह का अगर साथ चाहिए तो हमें इस तरीके से सब्र करना होगा इन तीनों कंडीशन में। तो यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी बात फरमाता है, और आप सब्र करें बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। तो ऐसे नेकोकारों का अल्लाह रब्बुल इज्जत अज्र जो है वो जाया नहीं करता है। आयत नंबर 116, फिर उन उम्मतियों में जो तुमसे पहले गुजरे ऐसे अक्ल व बसीरत वाले क्यों ना हुए जो जमीन में लोगों को फसाद से रोकते। पहली उम्मत में ऐसे लोग क्यों ना हुए, और ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे अक्ल व बसीरत वाला कहा जो लोगों को फसाद से रोकते। फसाद यानी बुराई से रोकते, अल्लाह की नाफरमानी से रोकते। तो ऐसे लोग हर उम्मत में होना चाहिए था। इससे यह पता चला कि यह काम सिर्फ अंबियाओं का नहीं रहा, अंबिया के साथ साथ उनकी उम्मत का भी रहा है कि वो बुराई से रोके और भलाई की तरफ बुलाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे क्या फरमाता है, मगर थोड़े ही उनमें से जिन्हें हमने निजात दी। अंबिया के साथ पूरे के पूरे लोग ऐसे नहीं थे कि वो बुराई से नहीं रोकते थे, वो फसाद से नहीं रोकते थे, थोड़े लोग थे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन थोड़े लोगों का अज्र बताया कि हमने उन्हें निजात दी। सुभान अल्लाह। फिर से आयत को समझने की कोशिश करें, अल्लाह फरमाता है फिर उन उम्मतों में जो तुमसे पहले गुजरी, जितनी भी उम्मतें गुजरी, ऐसे अक्ल व बसीरत वाले क्यों ना हुए जो जमीन में फसाद करने से रोकते, लोगों को फसाद करने से रोकते। और ऐसे लोगों को अल्लाह क्या कह रहा, अकलवन व बसीरत वाले, अकल वाले व बसीरत वाले, मतलब ये लोग जो बुराई से लोगों को रोकते हैं ये अकल वाले होते हैं, बसीरत वाले होते हैं। मगर थोड़े से लोग, तो थोड़े लोग हर दौर में रहे हैं जिन्होंने इस फरीजे को अंजाम दिया है, और जिन्होंने इस फरीजे को अंजाम दिया है अल्लाह उनके अज्र को बताता है, मगर थोड़े ही उनमें जिन्हें हमने निजात दी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें निजात दे दी। तो आप देखें हर अंबिया के साथ उनके कुछ साथी रहे और वो साथियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचाया है, यानी ईमान वालों की एक सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताया कि वो बुराई से रोकने वाले भी हुआ करते हैं। और इसके पहले भी हम कई आयतों में पढ़ के आ चुके हैं कि ईमान वालों की सिफत में एक सिफत ये भी है कि वो तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर करते हैं, बुराई से रोकते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं, यही लोग बचे। तो ये पिछली उम्मत के लिए आयत थी, इस उम्मत के लिए क्या हुक्म है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 में हम देख सकते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون। مفلحون की शर्त लगाई अल्लाह ने कि ये कामयाब होंगे, ये सक्सेस होंगे दुनिया और आखिरत की नजर में, दुनिया में और आखिरत में। सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 थी। इसका तर्जुमा यह है, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम में से मुराद पूरी उम्मत मोहम्मदी है, और एक जमात से मुराद ऐसे मुसलमान या ईमान वाले, ऐसे ईमान वालों की तरफ खिताब है, और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए,
और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। मतलब निजात पाने के लिए शर्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगा दी कि ऐसे लोग होना चाहिए जो बुराई से रोके, भलाई का हुक्म दे, और यही निजात पाएंगे। और सूरह असर के अंदर तो अल्लाह ने और कसम खा करके फरमाया, वल असर कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि सारा का सारा इंसान घाटे और खसारे में। और ये घाटा और खसारा क्या है? ये घाटे खसारे का नाम जहन्नम है, कि ये सारे के सारे जहन्नम में जाने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें से निकाला। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु, जो लोग ईमान लाए। लेकिन सिर्फ अकेले ईमान से काम नहीं बनेगा, उसके साथ दूसरी शर्त लगाई, इल्लल लजीना आमनु व अमिलु सालिहा, और अमल साले की, व तवासो बिल हक, और हक बात की तलकीन की, व तवासो बिस सब्र, और उस तलकीन में और उस काम में जो तकलीफें आई उस पर सब्र करें, और सब्र करते रहे, फिर इस्तिकामत भी है उसके अंदर। अगर आप गौर करके पढ़े तो इसके अंदर पांच शराइत दिए गए हैं, ईमान, अमल और दावत और सब्र और उसके बाद इस्तिकामत। तो ये चीज जो करेंगे वो कामयाब होंगे। और यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मुफ्लिहून वो लोग होंगे, बचेंगे वो लोग, कामयाब वो लोग होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे। एक हदीस भी आप देखें, तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 332 में बयान फरमाई गई है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे हदीस इस तरह है, लोगों जब बुराई को देखो, नबी मुकर्रम फरमाते हैं, लोगों जब बुराई को देखो और उसे ना बदलें, लोग जब बुराई को देखें और उसे ना बदलें यानी उसको ना रोकें, तो करीब है कि अल्लाह ताला सब को अपने अजाब के गिरफ्त में ले लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज रखे और इस काम को करने की तौफीक और रफीक दे। आयत नंबर 117 को फिर से देखें, 116। फिर उन उम्मतों में जो तुमसे पहले गुजरे ऐसे अक्ल व बसीरत वाले क्यों न हुए जो जमीन में लोगों को फसाद से रोकते, यानी गुनाह के काम करने, बुराई के काम करने से रोकते, मगर थोड़े ही उनमें से जिन्हें हमने निजात दी। तो हर दौर में हर नबी के साथ ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े लोग रहे और अल्लाह ने फरमाया कि हमने इनको निजात दी। और जिन लोगों ने जुल्म किया वो उन चीजों के पीछे लगे रहे जिनमें वो जालिम आसूदगी दी गई थी, उन्हें आसूदगी दी गई थी। मतलब उन लोग दुनिया के पीछे, दुनिया के माल मता और उसकी इज्जत और उसकी शौहरत के पीछे ये लोग लगे हुए थे जो उनको दुनिया में दिया गया था, और वो मुजरिम थे। और यही लोग मुजरिम हैं जो अल्लाह के फरमान का पास लिहाज नहीं रखते। आयत नंबर 117, और आपका रब ऐसा नहीं कि वो बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक करे जबकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बशारत है उनके लिए। और वाकई अल्लाह ने जो ऊपर कहा कि ये अक्ल और बसीरत वाले लोग, फिर चाहे देखें, और आपका रब ऐसा नहीं कि वो बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक कर दे जबकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। मतलब लोगों को बुराई से रोकने वाले और भलाई का हुक्म देने वाले हों, ऐसे लोगों पर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अजाब नहीं देता। आयत नंबर 118, और अगर आपका रब चाहता तो यकीनन तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो हमेशा बाहम इख्तलाफ करते हैं। तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता से मुराद कि तमाम लोग मुती और फरमाबरदार हो जाते, तमाम मोमिन हो जाते, तमाम, और या फिर तमाम को काफिर बना देता अगर अल्लाह चाहता तो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कि अल्लाह, इसकी दो वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जबरदस्ती किसी से अपनी इबादत नहीं कराना चाहता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको एक उम्मत बना देता, मोमिन बना देता, तो यह हुआ ना कि जबरदस्ती वो इबादत कराना चाह रहा, कोई करना नहीं चाह रहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जबरन मोमिन बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जबरदस्ती मोमिन नहीं बनाता। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सीधा बनाया है, उसके सर को सीधा बनाया है, बाकी पूरे जानवर और पूरी मखलूक को देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पहले से झुके हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको अमल की आजादी दी है, इसको सही और गलत की तमीज दी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे जबरदस्ती अपनी इबादत नहीं कराना चाहता। अगर ये झुकता है अल्लाह की तरफ, रुजू करता है, तो अल्लाह इसको हिदायत देता है, इसको मोमिन बनाता है, और फिर वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुती और फरमाबरदार होता है। तो दो वजह क्या पता चली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों नहीं एक उम्मत बनाया। पहली वजह कि अल्लाह जबरदस्ती किसी से इबादत नहीं कराना चाहता। दूसरी वजह,
جو لوگ اللہ رب العزت کے طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے طرف آتے ہیں، اللہ رب العزت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے، اسے مومن بناتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 119، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا. واقعی یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے کہ ہم ذرا سا بھی اللہ رب العزت کی طرف جھکتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف دھیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے، اپنے دل میں بندہ اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹا موٹا اللہ رب العزت کا رحم ہے، کرم ہے کہ کوئی بندہ جس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی طاقت، کوئی اوقات نہیں ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے، لیکن وہ بندہ اس کو یاد کر رہا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے. پھر نبی مکرم نے فرمایا کہ جب مجلس میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک اس کو یاد کرتا ہے. اور جب بندہ چل کر کے اس کے پاس آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، جب کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف دس قدم بڑھتا ہے، ایسا رحمان و رحیم ہے وہ. تو اللہ فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے کہ اس نے انہیں پیدا کیا، کیوں نہ رحم کرے، سبحان اللہ، اسی لیے کہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے. اور جیسے ایک جگہ اور فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ ہمیں اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو ہر کسی کو چاہتا ہے کہ ہر کوئی جنت میں چلی جائے. اس کی جنت کی وسعت کے بارے میں ابھی آگے ایک حدیث آ رہی ہے، تو اس سے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے اللہ کی جو خالی رہنے والی ہے، جو لوگوں سے خالی رہنے والی ہے، اتنی نعمتیں جس کا کوئی پرسان حال، جس کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں، اتنی بڑی جنت اللہ رب العزت نے بنایا ہے. تو اللہ رب العزت ہر کسی کو اس جنت کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم ہی اس لائق نہ بنے کہ ہمیں انبیاء کے ساتھ رہنے لائق، شہداء کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ رہنے لائق نہ بنے، اور ہم نے لوگوں کو اگر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العزت اس ظلم کا بدلہ بھی دے گا، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اور اسی لیے کہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کا رب کی بات پوری ہوئی اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ جہنم کو جہنم سے پوری ہوئی کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، ضرور بھر دوں گا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے بنایا ہے تو ان کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم و کرم کرے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے اللہ رب العزت ان کو جہنم سے، جنوں کو اور انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم کو ان سے بھر دے گا. جہنم میں بھرنے کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 7449، بخاری شریف حدیث نمبر 7449، مسلم حدیث نمبر 2846. صحیحین بولتے ہیں اس حدیثی کتاب کو، اور اس حدیث کو جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو. تو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کے آپس میں گفتگو ہوئی، مطلب جنت اور جہنم نے آپس میں بات کی، تو جنت نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ مجھ میں کمزور اور نادار لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، کمزور اور نادار لوگ ہی داخل ہوتے ہیں. تو جہنم نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تمام متکبر اور سرکش لوگوں کو میرے سپرد کر دیا گیا ہے. جو بھی متکبر، یعنی جو رئیس لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر وہی متکبر ہوتے ہیں اور سرکس ہوتے ہیں. تو جہنم کہتی ہے کہ تمام سرکس اور نافرمانوں کو، تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے. سبحان اللہ، واقعی ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جانے والے نہیں ہیں. نبی مکرم نے فرمایا کہ تم اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت پہ نہیں جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رحم سے جاؤ گے. تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا، جنت سے فرمایا کہ تو میرا رحم ہے، تیرے ساتھ میں جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نواز دوں گا. اور جہنم سے فرمایا کہ تو میرا غضب ہے،
मतलब तू मेरी नाराजगी है, मेरा गजब है, तेरे साथ में जिसको चाहूंगा इंतकाम लूंगा, जिसके साथ चाहूंगा यानी जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की है उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत इंतकाम लेगा। मैं तुमसे हर एक को भर दूंगा, मैं तुम में से हर एक को भर दूंगा, मतलब जन्नत को भी भर दूंगा, जहन्नम को भी भर दूंगा। जन्नत में बराबर इजाफा होता रहेगा हत्ता के उसमें उसके लिए अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जिसे अल्लाह ताला जन्नत में बाकी हिस्से में बसा देगा। अल्लाहु अकबर। यानी जन्नत में जो बाकी हिस्सा जन्नत को हमेशा भरता रहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, यानी जहन्नमियों से जो हमने कल पढ़ा था, जहन्नमी निकल करके और जन्नत में आएंगे, लेकिन उसके बाद भी बाकी बहुत सारा हिस्सा रहेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मखलूक बनाएगा और उस मखलूक को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। इतनी बड़ी जन्नत है। और जहन्नम के ताल्लुक से, जहन्नम की तरफ से मुसलसल ये मुतालबा रहेगा कि कुछ और भी है, कुछ और भी है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अपना कदम मुबारक रख देगा। फिर जहन्नम कहेगा कि बस बस तेरी इज्जत की कसम। क्या पता चला, अल्लाह रहमान इतना बड़ा रहीम है और उसकी जन्नत की इतनी बड़ी वसअत है कि जन्नत जो है वो कम पड़ जाए, जन्नत में लोगों की कमी पड़ जाएगी, मखलूक की कमी पड़ जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मखलूक बनाएगा और उससे जन्नत को भरेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कि उसको खाली छोड़ दिया जाए या जन्नत के हिस्से को कम कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में कोई कमी नहीं। और जब जहन्नम मुतालबा करेगी तो एक कौम को बना करके जहन्नम में नहीं डालेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्या करेगा, जहन्नम में अपने कदम मुबारक को डाल देगा जिससे वो चीख पड़ेगी और कहेगी अल्लाह तेरी इज्जत की कसम। बस ये बुखारी शरीफ की हदीस थी, हदीस नंबर 7449, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2846, आयत नंबर 120। और हम रसूलों की खबरों में से आपको वो सुनाते हैं जिससे हम आपका दिल मजबूत रखते हैं, यानी अंबिया के वाकयात और कसस हमारे लिए इबरत और नसीहत है और हमारे दिल को जमाने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर में नेक लोगों के साथ रहा है और नेक लोगों को फला और कामयाबी से दोचार किया है, और अल्लाह ने हर दौर में नाफरमानों के साथ नाफरमानों को अजाब दिया है और नाफरमानों को निस्त नाबूद किया है। तो ये अंबिया के वाकयात पढ़ने से दिल को मजबूत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको नाजिल किया। क्या फरमाता अल्लाह, आयत नंबर 120, और हम रसूलों की खबरों में से आपको वो खबर सुनाते हैं जिससे हम आपका दिल मजबूत रखते हैं, और इस सूरत में आपके पास हक आ गया और मोमिनों के लिए नसीहत और याद दहानी। मोमिनों के लिए ये नसीहत है और याद दहानी है। क्या याद दहानी है, कि हम इस बात को याद रखें कि जिस तरीके से अंबिया का नाफरमानी की पिछली कौम ने और वो तबाह और बर्बाद की गई, हम भी अगर नाफरमानी करेंगे तो हम भी तबाह और बर्बाद किए जाएंगे। जिन लोगों ने नबी की इताअत और फरमाबरदारी की वो कामयाब और कामरान हुए इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, हम भी अगर फरमाबरदारी करेंगे तो कामयाब होंगे। ये है वो याद दहानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे इस आयत के आखिर टुकड़े में फरमाया, और इस सूरत में आपके पास हक आ गया और मोमिनों के लिए नसीहत और याद दहानी है। ये नसीहत है, ये जो वाकयात है ये ऐसी नहीं है, ये नसीहत है हमारे लिए और ये हमारे लिए याद दहानी है कि हम इसको नजर में रखते हुए, इन वाकयात को नजर में रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। वैसे भी अगर आप देखें तो कुरान को अगर हम डिवाइड करें तो तीन हिस्सों में बंटता है। उलमा फरमाते हैं तीन हिस्सों में बंटता है, एक हिस्से में सिर्फ तौहीद है और दूसरे हिस्से में अहकाम व मसाइल है और तीसरे हिस्से में नसीहतें हैं, अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम है। अच्छे लोगों का अंजाम कि अच्छे लोगों ने ये अमल किया उनको ये मिला, बुरे लोगों का अंजाम, तो एक हिस्से में सिर्फ ये अंजाम, ये नसीहतें हमको बताई गई। ये हमें याद दहानी के लिए बार बार कुरान के अंदर आता है कि देखो उन लोगों ने ये किया और अब उनसे सबक लो, उनके साथ ये हुआ। तो एक हिस्से में सिर्फ ये है और एक हिस्से में अहकाम मसाइल है कि ये करना है ये नहीं करना, ये अवामिर है ये हुक्म है, ये रुकना है, ये अमल करना है, नमाज है रोजा, ये जितने भी अहकाम मसाइल है ये एक हिस्से में, और एक हिस्से में सिर्फ तौहीद है। इसलिए आप देखेंगे कि सूरह इखलास, क्योंकि वो पूरी तौहीद से भरी हुई है, तो सूरह इखलास को एक सुलुस कुरान कहा गया है, एक तिहाई कुरान कहा गया है कि एक तिहाई कुरान में तो सिर्फ तौहीद ही है।
بہرحال دیکھیں آیت نمبر 122، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنے عمل کرنے والوں میں سے ہوں. لکم دینکم ولی دین جیسی بات ہے کہ تم تمہارا عمل کرو، تم اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے باپ دادا کی مرضی کے مطابق یا اپنے یہودی اور نصرانی علماء کی یا علماء جو نافرمان علماء ہیں ان کی مرضی کے مطابق تم زندگی گزارتے رہو یا اکثریت کے مطابق تم زندگی گزارتے رہو، تم جو بھی زندگی گزارو، لیکن میں تو اپنے دین پر ہوں. دین یعنی جو آسمان سے آیا ہوا اللہ رب العزت کا قانون ہے، جو آسمان سے آیا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے، جو دستور حیات ہے، زندگی جینے کا جو طریقہ ہے اس کے حساب سے میں زندگی جیوں گا. اللہ فرماتا ہے اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، جیسا عمل کرنا چاہو اس چاروں طریقے میں کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. تو ہم بھی اس پہ عمل کرنے والے ہیں جس پہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے. اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. تم بھی تمہارا جو عمل ہے اس کے نتیجے کا انتظار کرو، اور ہم بھی ہمارا جو عمل ہے ہم اپنے عمل کا نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنے سخت انداز میں یہ بات کہی گئی آخر آخر میں. اور یہی ہوتا ہے، ہم ہر دور میں دیکھتے چلے آئے، اور ہم خود بھی اپنے آس پاس والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوست احباب کو دیکھیں کہ اگر وہ اسلام کے حکم کے مطابق نہیں جی رہے ہیں تو کیا انجام ان کا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا. تو اس سے ہمیں بہت بڑی نصیحت یہ ملی کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی جئیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، جو آسمانی دین ہم تک پہنچایا گیا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے اوپر جئیں. آیت نمبر 123 اور اس سورہ ہود کی آخر آیت، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز. تو چھپی ہوئی جو چیز ہے اس کا علم، اس کا جاننا، اس کے بارے میں خبر رکھنا، یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی ہی قدرت ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. دو بات کہی گئی، ایک تو غیب کا جاننے والا بھی وہی ہے، اور جتنے بھی کام ہمارے اچھے ہوں یا برے ہوں یہ اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس پر توکل کریں، عبادت بھی اسی کی اور استعانت بھی اسی سے. جیسے کہا جاتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، یعنی استعانت بھی تجھی سے ہے، تجھی سے تیرے ہی اوپر توکل ہے، یقین ہے. اور یہ دونوں چیز بہت اہم ہے کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں. عبادت کس کو کہیں گے؟ اللہ کے حکم کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا. اللہ کے حکم کو ادا کرنا کسی اور کی رضا کے لیے نہیں، اللہ ہی کی رضا کے لیے، یعنی اس کے اندر اخلاص بھی ہو. تو ہم عبادت کریں اور اس پر توکل رکھیں، توکل بھی پورا کی پورا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیں. وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی عزت اور ذلت کا دینے والا، وہی موت کا دینے والا، وہی بیمار کرنے والا، اچھا کرنے والا، بس وہی ہے. اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یہ ساری دنیا کے لیے خطاب ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارا رب اس سے غافل نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے سامنے ہمارے عمل کو لے کر کے آنے والا ہے. تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن مقدس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اللہ رب العزت تو ہمیں ان میں شامل، اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو تیرے مطیع اور فرمانبردار ہیں، جو تیرے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل فرما لے جن کے اوپر تیرا رحم ہونے والا ہے اور جن کو تو جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. منڈے سے، پیر کے دن سے، انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف شروع ہوگی، اور سورہ یوسف اپنے آپ میں ایک بہت ہی عبرت کے ساتھ بھری ہوئی سورت ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت سے بھری ہوئی سورہ ہے، جس کے تعلق سے یہ فرمایا گیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس آیت کریم کی، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیں. تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. سبحان اللہ، کون سی آیت؟ یہ سورہ نازل ہوئی کہ یہ ایک واقعہ ہے جو
इबरत और नसीहतों से भरा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इसके अंदर भी जो भी इबरतें और नसीहतें हमारे लिए आने वाली है उस पर हमें मजीद गौर फिक्र करने और उस पर अमल करने, ईमान लाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।